हे गाइस, इट्स कैश फॉर आरबी हेयर। और आज हम बात करेंगे पोको के रिसेंटली लॉन्च हुए फ़ोन पोको C3 के बारे में। एंड आज मैं इस फ़ोन के बारे में आपको अपना ओपिनियन दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको 7500 में या फिर मैं कहूँ 9000 में ये फ़ोन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही साथ मैं गाइस आपको बता दूँ कि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं छोटी छोटी जिनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो नहीं बना सकता, तो इसीलिए मैं एक टेक टॉक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि आपको रोज़ शाम को 6 से 8 के बीच में देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैं वो सारी न्यूज़ कवर करूंगा जिसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिकली अलग से वीडियो नहीं बना सकता। तो गाइज उसे साइड में रख के चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं पोको C3 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रीब्रांडेड फोन है। पोको ने फिर से रेडमी 9C के फोन को रीब्रांड करके इंडिया में लॉन्च कर दिया है पोको C3 के नाम से। यहाँ पे आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलता सिवाय पोको के सॉफ्टवेयर के। तो गाइस जल्दी से इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको एक 6.53 इंचेस की एक HD+ की डिस्प्ले दी गई है, जहाँ पे आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपके बैक में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस एक माइक्रो एंड एक डेप्थ सेंसर का कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि आपको एक ट्रिपल कैमरा एरे के रूप में देखने को मिलता है। उसी के नीचे आपको एक पोको की ब्रांडिंग दी गई है। इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 2 रैम वेरियंट्स के साथ आता है कि 3GB एंड 4GB। यहाँ पे आपको LPDDR4X की रैम देखने को मिलती है। यहीं पे आपको एक 5000mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन बॉक्स आपको एक 10W का चार्जर दिया गया है, जिससे इस बैटरी को चार्ज करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसके बाद आपको गाइस इस फोन के ऊपर P2i नैनो कोटिंग की सील दी गई है, जिससे आपको ये वाटर स्प्लैशेस से थोड़ी सी प्रोटेक्शन दे देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फोन पूरा वाटरप्रूफ हो जाएगा। साथ ही साथ पोको ने क्लेम किया कि आपको इस फोन में कोई भी एड्स या ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेंगे, ना आपको पोको का जो बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलेगा। तो गाइस स्पेसिफिकेशन का तो आपको पता चल ही चुका है, तो चलिए जानते हैं इस फोन के कुछ कॉन्स के बारे में, जो मुझे लगता है इस फोन को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देती हैं। सबसे पहले आपको इस फोन में कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता। एंड गाइस 2020 में अपने फोन में एक बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन होना तो बहुत जरूरी है। इसमें आपको फेस अनलॉक ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी 3D फेशियल रिकॉग्निशन के लिए कोई भी हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं इसकी दूसरी जो मुझे कौन लगी, वो लगी गाइज इसकी फास्ट चार्जिंग को लेके। यहाँ पे गाइज पोको को एक 18W का चार्जर प्रोवाइड कराना चाहिए था इनबॉक्स, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी है, 10W के चार्जर्स के साथ इसे चार्ज करने में काफी टाइम लग सकता है। तो गाइज चलिए मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ इस फोन के बारे में। फोन काफी अच्छा है, अगर इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो ये और भी ज्यादा अच्छा इस प्राइस में हो सकता था, लेकिन फिर भी अगर हम प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को कैलकुलेट करें तो ये फोन काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें गाइस अगर पोको की, तो पोको इस टाइम बहुत सारे फोन्स को रीब्रांड करके इंडिया में लॉन्च कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम करंटली मार्केट में देखें तो सिर्फ पोको F1 एंड पोको X3 एकमात्र ऐसे फोन है जो कि रीब्रांडेड वर्जन नहीं है किसी भी फोन के, वरना जो सारे फोन्स हैं वो पोको रीब्रांड करके इंडिया में लेके आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पोको को इंडिया के हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए कि इंडिया के यूजर्स को कैसा फोन चाहिए, उसमें क्या फीचर्स चाहिए। एंड गाइज वहीं बात करें हम इनके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, जहाँ पे पोको बात कर रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर बहुत ही क्लीन है MIUI के मुकाबले, तो गाइज बेशक ये सॉफ्टवेयर MIUI से ज़्यादा क्लीन है, लेकिन आपको अभी भी बहुत सारी ऐप्स में MIUI के ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ गाइज इनका जो सॉफ्टवेयर रिलीज करने का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। जो लोग पहले पोको को खरीद चुके हैं उन्हें जानते ही होंगे कि उनमें कितने कम सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलते हैं, हमें कितना ज़्यादा वेट करना पड़ता है एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पोको F1 में अगस्त में आपको MIUI 12 देखने को मिलना था, जो कि अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। इसी के साथ गाइस मैं आपको एक और बात बताऊं कि पोको फोन्स तो बहुत अच्छे लॉन्च करता है और कम प्राइस पे भी करता है बाकी कंपटीशन के मुकाबले, लेकिन गाइस जो इनकी आफ्टर सेल सर्विस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो गाइज अगर हम बात करें पोको C3 की, तो यहाँ के आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो 32GB वाला वेरिएंट है वो आपको 7500 का देखने को मिलता है, एंड वहीं आपको 464 वाला 9000 का देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसके लोअर वेरिएंट की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट में, लेकिन अगर आप 9000 वाले पोको C3 खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप उसे छोड़ के पोको M2 की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जिंग एंड बेटर कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक बेटर स्क्रीन भी देखने को मिलेगी। तो गाइस यही थे मेरे सारे ओवरव्यू पोको C3 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।